आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किए जाने वाले तिल व गुड़ दान की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने व दान करने से दुख पीड़ा संकट व असाध्य रोग दूर रहते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, मकर संक्रांति का पर्व लगभग पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन का हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्य देव अपनी दक्षिण की यात्रा को विराम दे उत्तर की ओर अग्रसर होते हैं और धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन किए गए जप तप व्रत व दान का फल मनुष्य को कई गुना होकर प्राप्त होता है। इस दिन मनुष्य को तिल व तेल मिश्रित जल से स्नान कर तिल व गुड़ का दान करना चाहिए। संक्रांति के पुण्यदायक अवसर पर खिचड़ी, शुद्ध घी व गर्म वस्त्रों का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके लोक को जाते हैं। शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भागीरथ जी के पीछे पीछे माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में मिली थी। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी के वहाँ पहुँचने पर भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों का तर्पण करके उन्हें मुक्ति दिलाई थी। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने प्राणों को त्यागने के लिए आज ही के दिन को चुना था। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में देह त्याग करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक समय जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे तो उस उत्तम समय में भगवान शिव व भगवान श्री हरि के मन में आया कि आज के पवित्र दिन पर गंगा जी में स्नान किया जाए, और मन में यह विचार आते ही वे दोनों गंगा जी में स्नान करने के लिए चल पड़े। जब भगवान शिव व श्री हरि गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो उनको दूर एक ओट में छिपी लक्ष्मी जी देख रही थी और लक्ष्मी जी उन्हें देख रही हैं। ये बात भगवान श्री हरि से ज़्यादा देर छिपी ना रह सकी, उनकी नज़र लक्ष्मी जी पर पड़ गई। तब भगवान श्री हरि ने महादेव जी से कहा कि आज लक्ष्मी जी भी हमारे पीछे पीछे पृथ्वी लोक पर आ गई हैं। यह सुनते ही महादेव मुस्कुराने लगे और बोले, हे नारायण, मैं जान गया हूँ कि देवी लक्ष्मी हमें गुप्त रूप से देख रही हैं। अतः आज के इस पुण्यदायक शुभ अवसर पर मैं यह वरदान देवी लक्ष्मी को देता हूँ कि पृथ्वी लोक पर आज से ये गुप्त लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाएंगी, और जो भी मनुष्य इस पुण्यदायक मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू में देवी लक्ष्मी को गुप्त रूप से छिपाकर दान करेंगे
उनके घर दुख पीड़ा संकट व असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, मकर संक्रांति के दिन तिल व गुड़ का एक लड्डू बनाकर उसमें लक्ष्मी यानी कि 1, 2 या 5 का सिक्का छुपाकर डाल दें और इस लड्डू को मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। बंधुओं, मकर संक्रांति का यह पर्व आप व आपके परिवार के लिए अति शुभ व मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।